नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2018 प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में क्या कैसी संभावना है, इसके लिए हमने लोगों से विचार जाने। किसी ने इसे किसानों उन्मुख बताया तो किसी ने कहा कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो किसानों के लिए या स्वास्थ्य के लिए, आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ है, इस पर सवालिया निशान है। आइए देखते हैं क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं। हर बार एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत सारा पैसा अलॉट किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति आप जानते हो कि किसान सबसे ज़्यादा संख्या में यहीं पे मरा है। तो ये पैसा अलॉट तो हुआ है, लेकिन ये यूज़ कहाँ होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पहले भी लग चुका, आज भी हम कांग्रेस के माध्यम से ये लगाते हैं। दूसरा, बजट में आपका एजुकेशन सेक्टर है, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यानी इतना पैसा अगर आप जिस हेड में खर्चा कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये समझ में नहीं आता। रही हेल्थ की बात, तो हम तो छतरपुर के निवासी होने के नाते ये बात करेंगे कि हेल्थ की बात है तो छतरपुर हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग डिमांड है मेडिकल कॉलेज की, वो आप तत्परता से पूरी कर दी जाए। और इसमें हमारे विधायक और हमारे सांसद, इनकी भूमिका आज दिन तक कहीं पे क्लियर नहीं है। इनको या तो इस्तीफा दे करके सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज जो हमारे क्षेत्र को चाहिए है वो तत्काल प्रभाव से दिया जाए, क्योंकि आप इतनी बड़ी राशि इन हेड्स पे खर्चा कर रहे हैं। जो उम्मीद थी उस पर अपन यदि ये बात करें तो जितना सकारात्मक है बजट, अपन कह सकते हैं कि उन्होंने किसानों को साधने की कोशिश की है। जो योजनाएं थी किसानों के हित में, कि ऋण माफ़ी की, उनके लिए जो बाकी सरकार की योजनाएं थी उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत सी योजनाएं दी हैं। मत्स्य पालन में भी उन्होंने निवेश करने का प्रावधान किया है, कहीं पशुपालन में भी किया हुआ है। इसी प्रकार हम सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें तो मलैया जी ने बहुत हद तक संतुलित बजट पेश कर अपनी शासन की नीतियों का आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है और 10 पलंगों का जो अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा उसके लिए सरकार विशेष अनुदान देगी। ये किसानों के हितैषी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बजट में 2,04,000 करोड़ का कुल प्रावधान है, जिसमें से एक बड़ा भाग 37,000 करोड़ कृषि क्षेत्र को दिया गया है। सड़कों के लिए भी 532 सड़कें जो हैं वो इनको बनाना है, 3,000 किलोमीटर सड़कें इस वर्ष में। जबलपुर और ग्वालियर में विशेष रूप से कैंसर के सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि एक सराहनीय कदम है। स्वच्छता अभियान में इन्होंने 300 करोड़ का बजट रखा है और 700 करोड़ का स्मार्ट सिटी के लिए भी प्रावधान रखा है। सामान्य वर्ग को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इस बजट में। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया वो बहुत बजट बहुत अच्छा है और वो एक्चुअल किसान के पक्ष का वाला बजट है। और इस सरकार ने किसानों को बहुत कुछ दिया इस बजट के माध्यम से। और दूसरा जी, जो शिक्षक थे उनको रेगुलाइज करना, और सबसे बड़ी योजना जो स्वास्थ्य के संबंध में आई है कि हर गांव में 10 बिस्तर वाला अस्पताल होगा, इससे लोगों को जो भागना पड़ता है जिले स्थान पे वो कम हो जाएगा और उनको वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं, छोटी मोटी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगी। और ये पूरा किसान उन्मुख बजट है और ये जनता के हित वाला बजट है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज तो छतरपुर में खुलना ही चाहिए, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से और जिस प्रकार का मतलब अभी जहाँ इतने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो छतरपुर से बहुत दूर है, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की सुविधाएँ यहाँ बढ़ाने के लिए आज मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। हम लोग सब लोग आग्रह करेंगे कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जिससे कि बच्चों को शिक्षण भी मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी बेहतर मिलेंगी। जो बाहर जाना पड़ता है बहुत से कामों के लिए वो रुक जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बजट 2018 में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने मत विभिन्न तरीके से दिए। इस खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।